नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब जो है, अब गूगल मैप के बारे में आप जानते ही होंगे कि कहीं भी जाना हो आप वहां का वो डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, फट से आपके लिए रास्ता बता देगा, डिस्टेंस बता देगा, कितनी दूरी पर पहुँचेगी। तो दोस्तों वैसे ही होने वाला है बेसिक शिक्षा में जो विद्यालय है उनमें भी, कि जियो टैगिंग के बारे में आपने सुना ही होगा कि पूरे बाउंड्री की तरफ भ्रमण करके पूरा जियो टैगिंग की गई है और उसका बहुत ही जल्द गूगल मैप पे आपका विद्यालय जो है आसानी से देखा जा सकेगा। दोस्तों तो चलिए देखते हैं क्या है। गूगल मैप पर दिखेंगे जिले के सभी सरकारी स्कूल। तो आगे देखते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सैटेलाइट से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जल्द ही जिले के परिषदीय विद्यालयों की भौगोलिक जानकारी लेना आसान होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कराई जा रही है। मैपिंग के जरिए विद्यालयों के अक्षांश देशांतर लिए जा रहे हैं जिससे कि उन्हें यूडाइस में भरा जा सके। जीआईएस मैपिंग कार पूरा होने के साथ लोग यह सुविधा स्मार्टफोन पर भी ला सकेंगे। जिले के 1144 कुछ विद्यालयों में 797 प्राथमिक, 133 उच्च प्राथमिक, 220 कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों के भौगोलिक स्थिति जानने के लिए उनके अक्षांश देशांतर लिए जा रहे हैं। इन विद्यालयों की लोकेशन देश के किसी भी हिस्से से आसानी से जो है लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और ऐसे लेंगे देशांतर और अक्षांश। यदि मोबाइल का इंटरनेट चालू है तो अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं। स्कूल की लोकेशन सही आ रही है ना, इसके लिए ऐप में मैप क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जियो टैगिंग हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसका यूज़ जब जिस हिसाब से सैटेलाइट से कर रहे हैं तो पूरे जो सारे विद्यालय हैं प्रदेश भर के उनका जो है अक्षांश देशांतर या फिर गूगल मैप पे आप उनको देख सकते हैं। स्कूल का नाम डालिए, लोकेशन डालिए, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।